आपको सम्मानित किया गया है यहाँ पे, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं हमारी जो सरकार है उनका धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार जो हमारे मुख्यमंत्री है हमारे हमीरपुर के जिला के हैं और पहली बार यहाँ पर आए हुए थे, तो इन्होंने हमें इनविटेशन दिया था कि आपने जो इतना जो हिमाचल प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम जो यहाँ पर गठित की थी इसके लिए इन्होंने सम्मानित का प्रोग्राम रखा हुआ था, तो हमें भी यहाँ पर सम्मानित किया, बड़ा ही हमें अच्छा लगा जो कि हमें मुख्यमंत्री जी ने हमें सम्मानित किया। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है थोड़ा सा खेल नीति में भी थोड़ा रुचि दे सर। आपने एक मांग पत्र भी दिया है, क्या मांगे रखी हैं? हाँ, मैंने दिया है कुछ, जैसे कि हमारे जो व्हीलचेयर क्रिकेट के जो हमारे प्लेयर्स हैं उसके लिए कुछ ऐसी नीति बनाई जाए कि उनके लिए एक सुगम में जैसे कि ग्राउंड होना चाहिए, रहने के लिए कमरे होने चाहिए, जैसे कि हमने प्रैक्टिस वगैरह भी करनी होती है तो बड़ा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको मालूम है कि पीछे भी हमने प्रैक्टिस की तो हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो हम चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से हमें इस चीज़ में इन्वॉल्व करें और सरकार जो हमारा खर्च उठाए और हमें जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारे पीछे भी पैरा स्पोर्ट्स गेम्स भी हुए उसमें भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें खुद ही अपना खर्चा करना पड़ता है और खुद ही जाना पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास के हर एक युवा है जो कि इतना इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम मुख्यमंत्री महोदय को ये भी दिया हमने कि आप जो है खेल नीति में एक अच्छा सा प्रबंधन किया जाए। और एक हमने और भी किया, जैसे कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए एक स्कीम चलाई जाए, जैसे कि जो ऑन बेड रिटन है उनके लिए एक रिहैब सेंटर खोला जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिहैब सेंटर नहीं है, क्योंकि रिहैब सेंटर होगा तो उन्हें जो बेड सोर्स होते हैं कोई ऐसी बीमारियाँ होती है जो, जैसे कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ उसी तरह से वो भी अगर सेल्फ डिपेंड हो जाए तो हमें अच्छी खुशी है, अब नई सरकार बनी है तो हम चाहते हैं कि एक रिहैब सेंटर जरूर खोले, क्योंकि रिहैब सेंटर खोलने से ऐसा है कि हमारे हमीरपुर एक केंद्र बिंदु है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, हर एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होती है, तो हम चाहेंगे कि ये सब हमारी थोड़ी सी छोटी मोटी डिमांडें हैं पूरी कर दी जाए तो हम उनका बहुत आभारी होंगे।